राजधानी रायपुर के राजभवन में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और अन्य पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव शामिल हुए। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और किस तरह से आगे काम करना है, यह निर्देश अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष अजय यादव से मिले हैं। वहीं आरक्षण को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश भर में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, रेलवे भर्ती हो नहीं रही है, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, कैसे लाभ मिलेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष अजय यादव और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कहां से आरक्षण का लाभ मिलेगा, रेलवे में भर्ती हो नहीं रही है, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, कैसे लाभ मिलेगा आरक्षण का। आप जितने भी स्टील प्लांट है उसे बेच रहे हैं, आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। तो सारी चीज आप बेचते चले जा रहे हैं तो पद ही खाली हो जाएगा, तो आरक्षण का लाभ लोगों को कैसे मिलेगा, इस बात को समझ नहीं। केंद्रीय आयोग है जो सेंटर का जो पिछड़ा वर्ग का आयोग है उसकी म्याद खत्म होगी 2021 में। हमने मांग रखी है कि केंद्र सरकार अगर प्रधानमंत्री स्वयं को पिछड़ा वर्ग का बोलते हैं तो उसको आयोग को दोबारा जल्दी गठित करें। सभी की समीक्षा की गई कि उन्होंने संगठन को मजबूत करने में क्या क्या कार्रवाई की है, मासिक बैठक समय पर हुई या नहीं हुई है, और जो 21 तारीख को कितना योगदान रहेगा, कोई कितने लोग के साथ वो लोग पहुँचेंगे कार्यक्रमों में, इन सब बातों पर चर्चा हुई।